मशहूर फास्ट बॉलर की बड़ी एशियन कॉपी जिसका नाम है नील वैगनर, और साथ ही साथ आपको नील वैगनर की बड़ी एशियन कॉपी सिखाऊंगा भी, तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि नील वैगनर एक बाएं हाथ का बॉलर है। दोस्तों नील वैगनर की बड़ी एशियन कॉपी सीखने के लिए दौड़ते टाइम हमारे दोनों हाथ यहाँ होने चाहिए। दोस्तों बाएं वाला हाथ आपका यहाँ और दाएं वाला हाथ यहाँ। दोस्तों उसके बाद अपने बाएं वाले हाथ को हम नीचे से बिल्कुल इस तरह सीधा करके उठाए। दोस्तों जिस तरह मेरा हाथ है बिल्कुल हमने इसी तरह उठा रहे हैं। दोस्तों पहले हमने क्या करना है, दौड़ते टाइम अपनी बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना है, उसके बाद अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह सीधा उठाना है। दोस्तों जिस तरह मैं उठा रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल हमने इसी तरह सीधा उठाना है। उठाने के बाद दोस्तों आपका हाथ बिल्कुल इस तरह सीधा हो। दोस्तों ये जगह आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए या पीछे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपकी ये वाली जगह बिल्कुल इस तरह सीधी होनी चाहिए, जिस तरह मेरी ये वाली जगह बिल्कुल सीधी है, इसी तरह आपकी भी जगह बिल्कुल इस तरह सीधी होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद जाएगा हमारा हाथ इस तरह सर के ऊपर। दोस्तों जिस तरह मेरा हाथ मेरे हाथ था बिल्कुल सीधा गया और फिर यू टर्न हो गया। दोस्तों इस तरह टर्न होने के बाद दोस्तों हमारा ये बाएं वाला हाथ जो ये नीचे आएगा और ये दाएं वाला हाथ इधर आएगा। बाएं वाला हाथ नीचे आके इधर कमर के पीछे जाएगा। दोस्तों जिस तरह मेरा हाथ है बिल्कुल आपने इसी तरह करना है तो आप सीख पाओगे। दोस्तों इधर हमारा अपने बाएं वाला हाथ को यहाँ पे रखा, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। दोस्तों जब मेरा बाएं वाला हाथ नीचे करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से उठाएंगे। दोस्तों जिस तरह मेरा हाथ है बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, यहाँ पे आपने इसी तरह टर्न रखना है। दोस्तों इस तरह बीच में गैप देना है आपने। आपने गैप देने के बाद दोस्तों यहाँ पे रहना है इस तरह। दोस्तों बिल्कुल इस तरह। दोस्तों जिस तरह मेरा आ रहा बिल्कुल इस तरह सर के ऊपर से थोड़ा सा। दोस्तों इस तरह लाने के बाद दोस्तों आपने हाथ को थोड़ा सा उधर करना है। उधर करने के बाद दोस्तों फिर इधर लाना है। दोस्तों पहला हमारा हाथ यहाँ था, फिर इधर और फिर उधर। उधर आने के बाद दोस्तों हमारा हाथ आएगा बिल्कुल इस तरह नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों हम इस तरह करके इधर इस तरह गेंद फेंकेंगे। तो यकीन माने दोस्तों आप नील वैगनर की बॉलिंग एशियन कॉपी सीख पाओगे। तो जो मैंने बताया उस पर अमल करो तो आप जल्दी सीख पाओगे। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने नील वैगनर की बॉलिंग एशियन कॉपी किस तरह किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।